बाद बहुत सारे भूकंपित गोपियाँ कितना दुख हुआ, वो ध्यान से अधिक उनको आत्मा से अधिक प्यार करते थे भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का बोलना है राधे राधे। फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से अजय महाजन आज पूछने आई है कृष्ण मंदिर में पंडित जी से कि जो आज रथ यात्रा निकाली जा रही है वो किस बात के लिए निकाली जा रही है। राधे राधे पंडित जी, पहले तो आप अपना नाम बताइएगा क्या है। मैं डॉक्टर अनुपम हूँ, वृंदावन में निवास कर रहा हूँ अभी। जो अभी रथ यात्रा निकाली जा रही है यहाँ पे आपके शहर गुरदासपुर में, आज के दिन श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा आज के दिन रथ पे विराजमान होंगे और समस्त शहरवासियों को अपने दर्शन देंगे और इस प्रकार दर्शन देते हुए अपनी कृपा बरसाएंगे। तो जो भी जो भक्त हैं, जो भी श्रद्धालुगण हैं, वो रथ पे विराजमान भगवान को दर्शन करते हैं और आज के दिन उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उनको बड़ी कृपा प्राप्त होगी। सर, ये कितने सालों से पंडित जी चली आ रही है परंपरा, ये जगन्नाथपुरी में शुरू हुई थी रथ यात्रा, ये अब जो शहरों शहरों में निकाली जाएगी इसके बारे में बताइएगा क्या है। जगन्नाथपुरी में तो हजारों वर्षों से रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जो विभिन्न शहरों में रथ यात्रा निकालने का और पूरे विश्व में जो रथ यात्रा निकालने का जो आयोजन किया गया वो शिला प्रभुपाद के द्वारा 1970 के बाद किया गया। तो शिला प्रभुपाद ने रथ यात्रा का आयोजन सबसे पहले अमेरिका में किया, न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ से सबसे पहले रथ यात्रा निकाली गई और फिर उसके बाद समस्त शहरों में वहाँ से रथ यात्रा का आयोजन किया गया। तो उसी उपलक्ष में हर शहर में रथ यात्रा का आयोजन इस्कॉन के भक्त लोग करते हैं, जिससे लोग सहजता से भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकें और उनका प्रसाद ग्रहण कर सकें, वे भी श्रद्धालुगण जो जगन्नाथपुरी कभी भगवान के दर्शन के लिए नहीं भी जा सकते। राधे राधे। जय जय राधे राधे। हरे कृष्ण। आज वो दिन है जिसका एक वर्ष से इंतजार था। आज हमारे भगवान जगन्नाथ जी गुरदासपुर में पधारे हुए हैं और सब गुरदासपुर वालों का अच्छा नसीब है जिनको इधर आकर के दर्शन दे रहे हैं। तो भगवान जी के बारे में तो क्या बोलना, ये तो बहुत 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 ज़्यादा जो है कृपालु हैं, हर के ऊपर कृपा करते हैं और हर आदमी को बोलते हैं कि लो रस्सा लो और ले जाओ हमारे को अपने घर में ले जाओ। रथ यात्रा जो रस्सी खींचने का परंपरा चल रहा है इसके बारे में बताइएगा क्या चल रहा है। राधे राधे सर। राधे राधे सर। जो परंपरा चल रही है कि रथ को खींच के लेके जाना होता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे जनता को। जो रथ को खींच के लेके जा, आप अपना नाम बताइए सर जी। मेरा नाम राजीव है जी। सर आप लोकल हैं, कहाँ से आए हैं? गुरदासपुर से लोकल। सर इसके बारे में बताइए, रथ यात्रा जो खींच के लेके जाते हैं। ये रथ यात्रा जो निकाली जाती है श्री श्री जगन्नाथ जी की, बलदेव जी की और सुभद्रा जी की, इसकी परंपरा ये है कि जो अब हम ये रस्सा खींचते हैं तो उनके जो रथ पर बैठे होते हैं जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा जी, उनके दर्शन मात्र से ही हमारे जन्मों जन्म लड़ाके पिछले साल आदि लड़ाके भी ये यात्रा कटी गई थी। जगन्नाथ जी की, भगवान जगन्नाथ जी यात्रा जी आज लोगों में बहुत उत्साह है और असि बड़े खुशकिस्मत के सामने शामिल होने का मौका मिलया और श्री कृष्ण महाराज जी के दसे हुए मार्ग से सारे चलीए और चंगे पासे लोगों को लैके जाइए ता जो समाज के योजे जे दिन त्यौहार ने सारे रल मिल के मनाने चाहिए, जिसे आपसी प्यार प्रेम बढ़ेगा। और मैं एक बार फिर सारे बहुत बहुत मुबारकबाद देना भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा की, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय तो निकाली जा रही है और पिछले भी कोरोना तो पहला साढ़े इतने निकाली गई थी यात्रा, कोरोना करके उस तो बाद कट नहीं सकिया, अच दोबारा है कोरोना तो बाद जी है यात्रा शुरू हुई आज गणेश चतुर्थी में जो रथ यात्रा जगन्नाथ जी की निकल रही है उसके संबंध में ये पिछली बार भी निकली थी जब 3-4 साल पहले और बहुत संख्या में लोग आए थे। पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है और सबसे पहले तो मैं सबको बधाई देता हूँ और इसका जो बड़ा फंक्शन है पूरी में बहुत बड़ा फंक्शन लोगों में उत्साह होता है, वहाँ पे मनाया जाता है ये गणेश जी की जो जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के जो जंगर सन गणेश जी उनके संबंध में आज सारे लोग
ये सड़कों पे उतर कर शहर की परिक्रमा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ सभी लोगों को और भगवान के आगे यही आस्था करता हूँ। मेरे ख्याल से तो ये जो बड़े लार्ज स्केल पे सेकंड टाइम निकाल रहे हैं हम, इससे पहले 3-4 साल पहले बहुत बड़े स्केल पे निकाली गई थी। और मैं सब प्रबंधकों का भी धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि सभी मिलजुल कर ऐसे जो पर्व आते हैं उनको मनाते हैं।